आज भी ये लोग है ना जो अपने पैरों से ही, अभी आज भी है ना जो ये रिक्शा होते हैं ना, पूरी सिटी में आपको लकड़ी के रिक्शा मिलेंगे। मैंने यहाँ के जितने मेहनती ना किसी कंट्री के लोग नहीं देखे, आज भी है जो कितने सालों पीछे जी रहे हैं लोग। और ये इधर भी कोई मार्केट है, यहाँ पे देखो ऐसे कपड़े टांगे, बाहरी कपड़े टांगे और बाहरी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द एंडो ट्रेकर। और अभी मैं हूँ एक मेडागास्कर के सेंटर में, एक सिटी पड़ता है अम्बोस्ट्रा, ये लोग अम्बोस्ट्रा बोलते हैं। वैसे इसका इंग्लिश में देखे ना तो अम्बोसिट्रा होता है, लेकिन जैसे टोलियारा था उसको टुलेर बोलते हैं, पता नहीं होता होगा इनका जो भी है। और अभी जहाँ पे मैं होटल में ठहरा हूँ वो ये होटल है, और यहाँ पे मैंने रूम लिया था 30,000 मेलागाछी हरियरी का। 30,000 मेलागाछी हरियरी लगभग 560 रुपए के लगभग होता है। और अभी आप लोगों को दिखाने वाला है, पूरी सिटी में ना ऐसे रिक्शा चलते हैं। आज भी ये लोग है ना जो अपने पैरों से ही, अपने खुद लोगों के द्वारा ये रिक्शा खींचे जाते हैं। तो अभी यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सिटी के बाहर और आप लोगों को घुमाता हूँ सिटी में। यहाँ पे आज भी है ना जो ये रिक्शा होते हैं ना, पूरी सिटी में आपको लकड़ी के रिक्शा मिलेंगे, और उनको है जो आज भी खींचते हैं। अब ये आप देख लो बाकी दुनिया से ना लगभग 50-60 साल पीछे है ये जो अम्बोसिट्रा सिटी है ये। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं खाना पीना खाऊंगा। एक्चुअली मैं पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूस ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, तो आप लोगों को आँखें लग रही होगी सूजी सूजी, चेहरे पे भी थकान दिख रही होगी। अब मैं आज यहाँ से, हो सकता है मैं भी आज निकलूँगा, अभी कोई शोर नहीं हूँ, या कल निकलूँगा। तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगा ताना एंटानानारियो, और फिर वहाँ पे 2-4 दिन आराम करूँगा। तो अभी चलते हैं, पहले तो थोड़ा खाना पीना खाते हैं यार। यहाँ ये बाकी सिटीज़ में है तो है ना कम से कम साइकिल वाले रिक्शे तो मिलते हैं, यहाँ पे अम्बोस्ट्रा में तो साइकिल वाले रिक्शा भी नहीं मिलते। ये देखो ये लोग ऐसे, अभी एक पूरा का पूरा मार्केट दिखाऊंगा आप लोगों को, ये लोग ऐसे ही यहाँ पे खुद से ही खींचते हैं इन रिक्शाज को। ये देखो बेचारे, मेहनत ही बहुत है यार यहाँ के लोग। बाग मेडागास्कर के लोग वैसे मेहनती बहुत है, काफ़ी मेहनती है। मैंने यहाँ के जितने मेहनती ना किसी कंट्री के लोग नहीं देखे, फिजिकल मेहनत करते हैं, मेंटल मेहनत नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों में अभी भी एजुकेशन का कमी है। और सबसे गरीब देशों की बात करें तो टॉप 10 में आता है ये मेडागास्कर है जो। तो अभी थोड़ा सा मैं मार्केट वार्केट घूमता हूँ यहाँ का। ये देखो ये है यहाँ का कुछ मार्केट वगैरह, कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पे। यार मुझे कोई रेस्टोरेंट में खाना पीना खाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इतने जल्दी रेस्टोरेंट वगैरह खुले होंगे, सारे के सारे बंद मिल रहे हैं। आगे चलता हूँ थोड़ा सा, जो पुराना मार्केट है उधर लेके चलता हूँ आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे आलू, ये रेड आलू मैंने पहली बार, ये शायद शकरकंद है यार। वो प्याज, ये खीरा देखो छोटा छोटा। सलाम। और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ का जो सिटी का मेन मार्केट है उधर। ये देखो यहाँ पे ऐसे कपड़े हैं जो बाहर ही बेचते हैं ये लोग। कैसी लाइफ है यार इन लोगों का, आज भी है जो कितने सालों पीछे जी रहे हैं लोग, कितने सालों पीछे आप सोच सकते हैं। यहाँ पे देख लो, ये ऐसे है जो सब्जी बेच रहे हैं फुटपाथ पे। यहाँ पे देखो ये भाई है जो शहद बेच रहा है, शहद। यहाँ पे आइसक्रीम बेच रहे हैं भाई। बस यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह, पहले मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे नॉन वेज जो वेजिटेरियन लोग हैं ना वहाँ, उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे राइस और वेजिटेबल आपको हर जगह मिल जाएगा, हर होटल में मिल जाएगा, सब्जी और चावल। आप जब भी यहाँ पे मेडागास्कर में आओगे ना, तो आपको ना मुर्गे के भरोसे बतख ज़्यादा खिलाया जाएगा। आप लोग बोलोगे चिकन और ये लोग खिलाएंगे आपको बतख। हाय सलाम, सलाम, हाउ आर यू, गुड। ये देखो डक 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 डक, यहाँ पे है जो एक भी ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा नहीं मिलेगा, सारे के सारे जो भी रिक्शा है वो केवल आदमी खींच रहे हैं। बहुत टफ लाइफ है वैसे देखा जाए तो, लेकिन इन लोगों को लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन की कमी है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि अदर आउटसाइड की लाइफ क्या है।
और ये इधर भी कोई मार्केट है, यहाँ पे मोबाइल शॉप है, बोबा मोबाइल शॉप। यहाँ पे लैंग्वेज का बड़ा पंगा है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं जानते हैं कोई भी लोग, यहाँ पे केवल जानते हैं मेलागासी और फ्रेंच, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी रहा है मेडागास्कर बहुत सालों तक। 1960 में ही मेडागास्कर को है जो फ्रेंच से फ्रीडम मिला था, तो काफ़ी दिनों तक ये फ्रेंच के हाथों में ही रहा था मेडागास्कर। हाँ इस्लाम, हाउ आर यू? गुड। होटल है तो अभी जो है मैं इस ऑटो रिक्शा में मेरे होटल को जा रहा हूँ वापस। मैं काफ़ी देर से इस मार्केट को घूम रहा था, ये काफ़ी लंबा चौड़ा मार्केट, और वही आपको पुराने वाली फीलिंग आएगी। अफ्रीका में भी ऐसे मार्केट कम ही देखने को मिलते हैं मुझे, अफ्रीका में काफ़ी दिनों तक ऐसे मार्केट में घुमाऊँ। तो ये ऑटो में बैठ गए, अब ये भाई है जो लेके चलेगा मुझे होटल। इसने मुझसे बोला कि कितने बोले थे, 2000 अरेरी बोले थे। पास में ही है होटल, वैसे मैं केवल ये देखने के लिए कि कैसे क्या खींचते हैं ये लोग और इसमें कैसे क्या बैठा जाता है, ये सब देखने के लिए मैं इसमें बैठ के जा रहा हूँ। बाकी तो पास में ही होटल, मैं कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल भी जा सकता था। तो ये देखो ये भाई है जो ऐसे खींचते हैं यार, ये लोग कितना टफ होता होगा इन लोगों के लिए लाइफ यार। बस ये लोग इस लाइफ के आदी होते हैं, मतलब रोज़ इनका यही लाइफ है, इन लोगों ने कभी बाहर का लाइफ देखा ही नहीं, तो इन लोगों के लिए कोई ज़्यादा टफ नहीं होता। ये देखो यहाँ पे पुराने शूज़ वगैरह सब पुराना आइटम, मैक्सिमम आइटम है यहाँ पे, पुराना आइटम मिलता है। यहाँ पे देखो ऐसे कपड़े टांग के, बाहर ही कपड़े टांग के और बाहर ही बेचते हैं ये लोग। इन लोगों का कोई शॉप वगैरह नहीं होता, आप लोगों को कोई यहाँ पे बड़े बिग शॉप या बिग शॉपिंग मॉल तो छोड़ो, बड़ी शॉप भी नहीं मिलेगी कपड़े वपड़े या ऐसे सामान की। तो ये लोग बाहर ही है जो ऐसे बस फुटपाथ पे टांग लेंगे, जैसे ये डंडे दिख रहे हैं ना, इन पे कपड़े टांग लेंगे और यहीं पे बेचने लग जाते हैं। तो अभी तो मैं मेरे होटल आ गया हूँ यार, मेरे दो मन हो रहे थे, एक मन हो रहा था कि आज यहाँ पे रेस्ट करूँ, एक मन कर रहा था नहीं चलते यार यहाँ से एंतनानारिवो, चल के ही रेस्ट करेंगे। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया चलते हैं यहाँ से। तो ये देखो अभी उधर देखो, काफ़ी अच्छा खासा ये अम्बुस्ट्रा सिटी है ना, अम्बुस्ट्रा के उधर गाँव आ जाते हैं, उधर वो पहाड़ियाँ हैं और ये अम्बुस्ट्रा सिटी है, यहाँ से कुछ ऐसी दिखती है, पूरी पुराने दिखेगी आपको अम्बुस्ट्रा सिटी। तो अभी मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार ये अम्बुस्ट्रा सिटी दिखा दूँ। मुझे वो वाला जो गांव दिख रहा है ना, उधर वो गांव दिख रहे हैं, वो देखो आप कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं यार, बहुत ज़बरदस्त। ये जहाँ पे मैं होटल में ठहरा हूँ वहाँ पे आसपास कुछ ऐसा ही देखो आप, टूटे फूटे से घर मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे। तो अभी चलते हैं यार, अभी मैं मेरे यहाँ से चेकआउट कर ही देता हूँ, फिर मैं आज एंतनानारिवो निकल जाता हूँ। लेट हो गया वैसे तो थोड़ा सा, और कल मैं जिस रूम में ठहरा हुआ था ना, वो रूम ये था, इसमें 3 बेडरूम डाल रखे हैं, तो मैं था अकेला। इसका है जो 30,000 मुझे अरेरी चार्ज किया था, लगभग 560 रुपये की लगभग कहूँगा, थोड़ा सा महंगा है 560 रुपये ऐसी सिटी में। तो अभी यार मैं जाता हूँ यहाँ से बस स्टेशन जाऊँगा, बस स्टेशन से मैं देखूँगा कहाँ के लिए बस मिलती है एंतनानारिवो। भगवान ये एक तो नाम ऐसा है ना एंतनानारिवो, बहुत लंबा चौड़ा अटपटा सा नाम है। तो चलते हैं एंतनानारिवो के लिए, बस मिल जाती है तो ठीक है, पहले तो पढ़ने में ही नहीं आता था, पहले तो एंतनानारिवो। और अभी चलते हैं, तो अभी यहाँ से इस होटल को बोलते हैं बाय बाय, सी यू। वो भाई का रिसेप्शनिस्ट था यहाँ का, तो अब मुझे जाना है बस स्टेशन पे। अरे अरे बस स्टेशन, यू नो बस स्टेशन? अरे यार अब ये लोग समझते नहीं है, मुझे ऐसे ऑटो में जाना था, टाना के लिए बस लेनी थी, लेकिन अब ये लोग समझते नहीं है, मैं देखता हूँ पैदल ही जाता हूँ। ऐसे लगता है पास में ही होगा, मैं ट्रांसलेटर यूज करूँगा, फिर पैसे के लिए पूछूँगा, 5 मिनट तो मुझे उसको समझाने में लग जाएंगे, तो इससे ज़्यादा बेटर है पास में होगा, मैं पैदल ही चल देता हूँ। आगे है जो और भी मार्केट है, यहाँ पे ये देखो बैग वगैरह बेच रहे हैं लोग बाग।
ऐसा ही मार्केट है। अभी यहाँ पे लगभग 11 बजने को आया, लेकिन अभी मार्केट खुला नहीं है पूरा। बाकी तो 11 बजे पूरा मार्केट खुल जाना चाहिए। कितना दूर है यार, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा दूर है यार यहाँ से बस स्टेशन। तो पूरा का पूरा मार्केट, ये पूरा का पूरा रोड दिख रहा है मुझे आगे। ये देखो यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह काफ़ी एकदम फ्रेश सब्जियाँ वगैरह बिकती है। ये देखो यहाँ पे कपड़े वगैरह बेच रहे हैं, उधर शूज वगैरह। कितना दूर है यार भाई बस स्टेशन, मुझे लगता है आ गए, ऐसे लगता है पास में ही अब। ये देखो इधर, यू नो नो बस स्टेशन टाना बस नो। अरे यार हाँ ना कुछ भाई है जो ना तो आई कर रहा है ना ही कर रहा है। हाउ मच देर अरी इन दिस दिस लेडीज के साथ जा रहा हूँ। ये मुझे टाना बस, जो बस स्टेशन है ना यहाँ पे अम्बुस्ट्रा का, वहाँ पे छोड़ देगी या बस स्टॉप। तो अभी यहाँ के जो बस स्टेशन है वहाँ पे हम लोग आके पहुँच गए। ये है यहाँ का बस स्टेशन, और होप्स हो कि मुझे टाना नारियो के लिए बस मिल जाए यहाँ से। तो भाई साहब डायरेक्ट टाना के लिए बस है वो शाम को 5 बजे है, और एनसीराबे के लिए बस है वो जो 1 घंटे बाद है। अभी टाइम हो गया लगभग 11:30, तो मैं एनसीराबे जा रहा हूँ। एनसीराबे से टाना के लिए हो सकता है मैं आज शाम को बस लूँ या कल सुबह बस लूँ, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं। मैं आज शाम को हो सकता है रात में एनसीराबे में है जो रेस्ट करूँगा। और यहाँ पे अभी ये यहाँ का बस स्टेशन कुछ वो है, वहाँ पे यहाँ पे ये ठेले वगैरह कुछ ऐसे हैं। ये अच्छा खासा एरिया दिख रहा है, वो देखो उधर अच्छी खासी बिल्डिंग्स वगैरह मकान वगैरह आप लोगों को दिख जाएंगे। तो अभी चलते हैं, एनसीरा भी जाऊँगा, एनसीरा भी हो सकता है नाइट में रेस्ट करूँगा, और फिर मॉर्निंग में टाना के लिए निकलूँगा। क्योंकि मैं अब कंटिन्यूसली ट्रेवलिंग कर रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, तो अब बॉडी को रेस्ट चाहिए। और यहाँ की सड़कें इतनी माशाल्लाह है, तो उसमें इतना कंटिन्यूस ट्रेवलिंग करना बहुत ही मतलब शरीर को तोड़ के रख देता है ये, मान लो यार इतना कंटिन्यूस ट्रेवलिंग। सो भाई जब बोलते हैं अम्बुस्ट्रा जो सिटी, इसको बाबा पूरे के पूरे कम से कम 1 से 1.5 घंटा मुझे गाड़ी में वेट करना पड़ा। एनसीराबे के लिए मुझे बस मिला है, फिर कल मॉर्निंग में मैं यहाँ से बस लूँगा एनसीराबे से टाना एंताना नारियो के लिए। टाना बोलूँ तो भी बात वही है, यहाँ के लोग टाना बोलते हैं और मैं फुल फॉर्म में बोलता हूँ एंताना नारियो। अबे कोई छोटे से गांव में पहुंचे, गांव का नाम तो मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे बारिश शुरू हो गया, यहाँ पे अभी रेनी सीजन चल रहा है जिस पार्ट में मैं हूँ ना, यहाँ पे अभी रेनी सीजन चल रहा है। लेकिन अब मैं जिस पार्ट में जाऊँगा ना वहाँ पे रेनी सीजन नहीं है। यहाँ पे मेडागास्कर में अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम पे रेन होता है। ये देखो बारिश हो रही है यहाँ पे जबरदस्त वाली। तो फाइनली लगभग 2.5 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग एनसीराबे पहुंच गए, जो जहाँ से हम लोग चले थे वो लगभग 1:30 बजे के लगभग चले थे हम लोग वहाँ से। तो ये लगभग 2.5 घंटे की जर्नी है, अभी टाइम हो गया है 4:01 हो गया है, और यहाँ पे बारिश हो रही है यार जबरदस्त वाली। खैर मुझे कल तो यहाँ से टाना रियो जाना है, एंताना नारियो, ये लोग टाना रियो एंताना नारियो कोई नहीं बोलता है यहाँ पे, पुनलाम कोई नहीं बोलता यहाँ की कैपिटल का, टाना या टाना नारियो, तो टाना ना रियो भी नहीं टाना रियो ये लोग बोलते हैं। तो अभी हम लोग एनसीराबे पहुंच गए, और यहाँ से लगभग मुझे लगता है 170-180 के लगभग होगा, लेकिन 170-180 किलोमीटर जाने में लगभग मुझे लग जाएगा यहाँ जो बसें हैं ना वो 5 से 6 घंटे का टाइम लेगी। तो मैं आज रिस्क नहीं लूँगा, आज 4 बज गए हैं ऑलरेडी, मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ। अब मैं है ना जो आज रेस्ट करूँगा, कल फिर एंताना ना रियो जाऊँगा, और फिर वहाँ पर 3-4 दिन रेस्ट करके फिर यहाँ पर एक आईलैंड है सेंट मेरी, वहाँ पर जाऊँगा। और अभी ये जो एनसीराबे सिटी है वो कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ की सारी सिटीज ऐसी एक सी दिखती है यहाँ पे यार, एक जैसा ही सब। हाय
सारे सिटीज का जो स्ट्रक्चर है ना वो एक जैसा ही है यहाँ पे, सब कुछ है जो इससे थोड़ी कम डेवलप मिलेगी, इससे ज़्यादा डेवलप नहीं मिलेगी, बस ताना को छोड़ के अंतानानारिवो को छोड़ के और कोई सिटी डेवलप नहीं दिखने वाली है यहाँ पे। तो एनसिराबे में होटल वगैरह ले लिया है, होटल वही पुराना होटल था जो पहले लिया था, होटल का प्राइस है 30,000 अरियरी वही 660 रुपये के लगभग होता है। और आज यहाँ पे ना सब रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद है, और ये एनसिराबे अभी यहाँ पे बारिश हो रही है तो खाने पीने के लिए मुझे आज यहाँ पे बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी मुझे ऐसे लगता है। देखिए फिर भी थोड़ा सा आगे चल के आता हूँ, कोई रेस्टोरेंट खुला होगा तो काम चल जाएगा, नहीं तो और कुछ खा के काम चलाएंगे। शायद मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाना चाहिए, पहले मैं इस रेस्टोरेंट पे खाया करता था, तो ये रेस्टोरेंट अभी तो है बंद, और थोड़ा सा आगे चल के आते हैं कोई और रेस्टोरेंट खुला हो तो। एनसिराबे जो सेंट्रल मेडागास्कर का एक पार्ट है, तो यहाँ पे मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था एनसिराबे। एनसिराबे है जो यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन वो क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करती है। तो ये देखो यहाँ पे ये कोई यहाँ पे वो भी यार चर्च वगैरह भी है यहाँ पे। नो ये इसको फुसफुस बोलते हैं यहाँ पे। अभी जहाँ मैं अम्बुस्ट्रा से आया था वहाँ पे वो लकड़ी वाले भाई लोग खींचते हैं उसको, चढ़ाई में मतलब हाँफे जाते हैं, पसीना आता रहता है, ज़बरदस्त मेहनत करते हैं यार मेडागास्कर के लोग। यहाँ तो चलो फिर भी साइकिल वाले रिक्शा हैं, ये लोग मुझे लगता है थोड़े से ज़्यादा संपन्न लगते हैं ये। बाकी तो है जो यहाँ पे कई पार्ट में तो इतने रिमोट, इतने गंदे हालात, इतने बुरे हालात है, पूछो मत भाई, ज़बरदस्त वाले। और मुझे लगता नहीं है कि आज मुझे कुछ ओपन मिलेगा, क्योंकि मैं जहाँ भी जो भी देख रहा हूँ ना वो सब क्लोज। ओह माय गॉड, आज मैं वैसे ही 2-3 दिन से ढंग से खाना नहीं खा पा रहा। ये देखो ये कोई चर्च है यहाँ पे, कोई चर्च है वहाँ पे लोगों को खाना वाना शायद कुछ मिठाई वगैरह दे रहे हैं, जाके आऊँ क्या एक बार? पिज्जा शॉप है ना जो खुली मिली है यहाँ से, कुछ पिज्ज़ा वगैरह देखे। हेलो सलाम, एक लूँगा फ्रेंच फ्राइज, और डू हैव चिकन बर्गर? चिकन बर्गर, दिस इज बीफ बर्गर। आई डोंट ईट बीफ। नो चिकन? नॉर्मल वेजिटेबल? ओनली बीफ। ओह माय गॉड, यहाँ पे यही दिक्कत है खाने पीने की, अब बीफ बर्गर मिल रहा है, बीफ बर्गर कैसे खा लिए भाई। खाने पीने की बड़ी दिक्कत है, आज रेस्टोरेंट वगैरह खुले नहीं है, और ना यहाँ पे जो राइस वेजिटेबल है वो इजीली मिल जाता है, तो आज यही का ही काम चलाना पड़ेगा मुझे। अभी यहाँ पे एक है जो फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए, और एक है रोल टाइप का है, इसमें वेजिटेबल वगैरह ये लोग डाल के रखते हैं, सॉस वगैरह वेजिटेबल वगैरह डाल के रखते हैं। तो ये 10,000 अरियरी का, ये 4,000 अरियरी का, तो लगभग 250 रुपये के लगभग होता है दोनों का प्राइस मिला के। और अभी मैं खाना पीना खा के, और मुझे कल के लिए टिकट लेना था एंतानानारिवो के, तो यहाँ पे लोग देखो काफ़ी भीड़ जमा हो रही है, बारिश हो रही है फिर, और अभी मैं जाऊँगा मेरे होटल को वापस, बारिश हो रही है, बारिश में बाहर ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब हो जाएगी, नहीं तो खसखस करने लगूँगा कल सुबह। तो अभी जा रहा हूँ मैं मेरे होटल। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और एल्गोरिदम के लिए लाइक कमेंट जो भी करना हो वो करते रहें। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ये अपना इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी है, यहाँ पे ज़रूर फॉलो कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए।